सबको मेरा प्रणाम। और जैसा कि मैं हर कवि सम्मेलन या अपने हर काव्य पाठ के पहले अपने आराध्य कवि दिनकर जी को प्रणाम करते हुए चार पंक्तियाँ उनके लिए कि पौरुष का ज्वाल जगाने वाले मानवता के उच्च शिखर, पौरुष का ज्वाल जगाने वाले मानवता के उच्च शिखर, तुमसे माँ हिंदी शोभित है, नमामि दिनकर नमामि। वाह वाह वाह। अभी भैया श्रृंगार भी पढ़े हैं, अंत में श्रृंगार से खत्म किए तो हम भी कुछ पंक्ति सुना देते हैं, ज़्यादा लिखते नहीं हैं फिर भी। कि एक शेर लीजिए कि निगाहें यूं ही तेरी कत्ल करती हैं, निगाहें यूं ही तेरी कत्ल करती हैं, तेरी आंखों को फांसी क्यों नहीं होती। आहा, आहा, क्या बात है, क्या बात है। देखिए देशभक्त कवि जब श्रृंगार देख, उसकी आंखों की बड़ाई तो सुनिए, मेरी आंखों की बड़ाई सुनिए कि मेरी आंखों को भी तुम आसमां कहना। क्या बात है। मेरी आंखों को भी तुम आसमां कहना, मेरी आंखों में भी तो चांद रहता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक दर्द भरा शेर भी सुन लीजिए कि दफन मुमताज सा मैं भी हो गया। अच्छा। दफन मुमताज सा मैं भी हो गया, याद तेरी बनी है ताजमहल। वाह। चलिए मैं कुछ दोहा सुनाता हूँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे कविता पे आऊंगा। दोहा सुनिएगा कि भूखी मरती है कहीं कहीं लुटाती राज और कैसी जनता हो गई कैसा यहाँ स्वराज। देख देश की शान ये देखो देश महान और टुकड़ों में पलता मिला मेरा हिंदुस्तान। राजनीति की जीव को लगा खून का स्वाद, राजनीति की जीव को लगा खून का स्वाद और भारत निर्मित हो रहा भारत बंदी बात। क्या बात है। नई सभ्यता ने दिया नया नया विश्वास अब मुर्दों पर रोता मिला भारत का इतिहास। और कुछ पंक्तियाँ और सुनिए, भैया भी कह रहे थे कि वंदे मातरम पर, तो वंदे मातरम पर जो चलता है माहौल उसके पहले नेताओं पे चल रहे हैं कि इस सियासत में सभी के पास हैं दो दो गले, इसलिए तो सब यहाँ कहते हैं इनको दो गले। इस सियासत में सभी के पास हैं दो दो गले, गोड से गांधी में जिंदाबाद है बस एक ही, हाँ जो दोनों में लगाए कह दो उसको दो गले। क्या बात है। और वंदे मातरम की बात कही थी भैया ने, तो वंदे मातरम पर एक मतलब की आठ पंक्ति भी सुनिए कि राष्ट्रवाद का प्रतीक प्रीत वंदे मातरम। वंदे मातरम क्या बात है। कि राष्ट्रवाद का प्रतीक प्रीत वंदे मातरम, हर गुलामी के विरुद्ध जीत वंदे मातरम। राष्ट्रवाद का प्रतीक प्रीत वंदे मातरम, हर गुलामी के विरुद्ध जीत वंदे मातरम। कांपती है दुश्मनों की रूह जिस दहार से है शहीदों का ये गाया गीत वंदे। क्या बात है। है शहीदों का ये गाया गीत वंदे मातरम। बंकिम की लेखनी की आन वंदे मातरम। शौर्य की है परिभाषा शान वंदे मातरम। बंकिम की लेखनी की आन वंदे मातरम। शौर्य की है परिभाषा शान वंदे मातरम। गुरुवाणी भजन अजान से भी ऊंचा है ये, गुरुवाणी भजन अजान से भी ऊंचा है ये, भारती की थालती का गान वंदे मातरम। क्या बात है। वाह वाह। और कुछ पंक्तियां देश की परिस्थितियों पर। स्वागत है श्रृंगार भारती। स्वागत कि राजधानी में उत्सव मनता, भूखी डूबी मरती जनता। देखिए कि एक कोने में जलसा मनाया जाता है, वहीं पे बगल में लोग भूखे मरते हैं, ठंड से ठिठुर रहे होते हैं, इसी पे वह तोड़ती पत्थर लिखी गई, इसी पे भिक्षु कविता निराला जी ने लिखा, जहाँ वो कहते हैं कि चाट रहे झूठे पत्थर वे कहीं सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं। तब मैं कहता हूँ कि राजधानी में उत्सव मनता, भूखी डूबी मरती जनता,
राजधानी में उत्सव मनता भूखी डूबी मरती जनता, किसकी सुध किसे पड़ी है, किसकी सुध किसे पड़ी है, मरना है मरने की घड़ी है, एक अंग में चिता भस्म है, एक अंग में हार, कैसा है श्रृंगार भारती, कैसा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अखबारों में आए दिन आप लोग खबर पढ़ते होंगे कि इधर बलात्कार उधर बलात्कार, तो सुनिए कि हर मोर कौरव से भरे हैं, हर मोर कौरव से भरे हैं, द्रोण भीष्म सब मान खड़े। क्या बात, हर मोर कौरव से भरे हैं, द्रोण भीष्म सब मौन खड़े हैं, द्रौपदियों को कैसे बचाएं। हर मोर कौरव से भरे हैं, द्रोण भीष्म सब मौन खड़े हैं, द्रौपदियों को कैसे बचाएं, इतने कृष्ण कहां से लाएं, एक हाथ से करे आरती, दूजे से इज्जत पर वार, कैसा है श्रृंगार भारती। ये एक ऐसा देश है जहां पर औरतों को या स्त्रियों को नारी का देवी कहा जाता है, और ये एक ऐसा देश है जहां पर 24 घंटे में बिरामे बलात्कार होते हैं। तब मैं कहता हूं कि जब समाज ने चाल रची, जब समाज ने चाल रची, अभागी सिया भी कहां बची, जब समाज ने चाल रची, अभागी सिया भी कहां बची, हो देख रहे श्री राम मौन, तो उन्हें रोकता बोलो कौन। जब समाज ने चाल रची, अभागी सिया भी कहां बची, वो देख रहे श्री राम मौन, तो उन्हें रोकता बोलो कौन, लहू से भीगे आंचल को तेरे, कैसे करूं स्वीकार, कैसा है श्रृंगार भारती, कैसा है श्रृंगार। हाथ पसारे चौराहों पर, ये परिसर, ये गांधी मैदान, ये बिस्कुमान भवन, ये भारत नहीं है, एक बटा सवा अरब भारत हम है, एक बटा सवा अरब भारत आप सब है, और एक बटा सवा अरब भारत वो बच्चा भी है जो अखबार ओढ़कर या भीख मांग रहा होता किसी चौराहे पर खड़ा होकर। तब हाथ पसारे चौराहों पर, हाथ पसारे चौराहों पर, मिलता भारत हर राहों पर, हाथ पसारे चौराहों पर, मिलता भारत हर राहों पर, नग्न अवस्था, उसकी अवस्था देखिए, हाथ पसारे चौराहों पर, मिलता भारत हर राहों पर, नग्न अवस्था पेट पीठ है, नग्न अवस्था पेट पीठ है, भूखिया भूखा कौन ढीठ है। क्या बात है, नग्न अवस्था पेट पीठ है, भूखिया भूखा कौन ढीठ है, इनके आंसू का यहाँ बस होता है व्यापार, कैसा है श्रृंगार भारती, कैसा है। एक बार मैं परशुराम की प्रतीक्षा पढ़ रहा था, परशुराम की प्रतीक्षा पढ़ने के बाद फेसबुक खोला तो उसमें देखा कि एक बच्चा अखबार उठकर सड़क किनारे सोया हुआ है। तब मेरे मन में कुछ पंक्तियाँ आई, चूँकि परशुराम की प्रतीक्षा पढ़ रहा था, उसमें समर शेष है कविता है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी ऊपर। तब मैं लिखने की कोशिश किया कि ऐसा न हो किसी कर्ण को दुर्योधन मिल जाए, अगर उस बच्चे को कंबल की आड़ में हथियार जाए तो बच्चा ले लेगा, क्योंकि आदमी का जीना, दिनकर जी ने लिखा है कि जीने का जीवन, जीवन का अंतिम ध्येय स्वयं जीवन है, जीवन जीने का अंतिम ध्येय, आपको न पैसा, जब आप मर रहे होंगे तब आपको न पैसे की इच्छा होगी, ना आपको नाम की इच्छा होगी, तब आपको सिर्फ और सिर्फ जीने की इच्छा होगी। तब है कि अगर उस बच्चे को ये जीने के लिए अगर हथियार का उठाना पड़े तो वो उठाएगा, स्वाभाविक बात है, स्वागत है भाई। तब है कि ऐसा न हो किसी कर्ण को दुर्योधन मिल जाए, ऐसा न हो किसी कर्ण को दुर्योधन मिल जाए, महाभारत के धर्म युद्ध का हाल बदल ना जाए, है नहीं कृष्ण, है नहीं कृष्ण जो अब की हर छल छल अपनाएंगे, पदभ्रांत हुए अर्जुन को भी गीता का पाठ पढ़ाएंगे। क्या बात है, पदभ्रांत हुए अर्जुन को भी गीता का पाठ पढ़ाएंगे, और समर शेष है, चूंकि परशुराम की प्रतीक्षा पढ़ रहा था, समर शेष है जाग जाग रे, इस समर शेष है जाग जाग रे, पूर्ण स्वराज को लाओ रे, ठिठुरे भूखे हर भारत का न्यास उसे पहुंचाओ रे। अब अंतिम एक हस्ताक्षर कविता अपनी पढ़ देता हूँ कि युद्ध 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 है, स्वागत भाई, युद्ध 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 है अनीति के विरुद्ध है, युद्ध 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 है अनीति के विरुद्ध है, पाप भीम संग राज धर्म राज क्रुद्ध है, अरे युद्ध 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 है, अरे युद्ध 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 है, कदम कदम बढ़ रहा, कदम कदम बढ़ रहा, विजय मंत्र पढ़ रहा, दुश्मनों के दुर्ग पर सुगम्यता से चढ़ रहा, कदम कदम बढ़ रहा, विजय मंत्र पढ़ रहा, दुश्मनों के दुर्ग पर सुगम्यता से चढ़ रहा, इस पवित्र आग में नहा लिया वो शुद्ध है, अरे युद्ध 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 है, अरे युद्ध 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 है, कोटि कोटि संतति, कोटि कोटि संतति देने को प्राण आहुति, कोटि कोटि संतति देने को प्राण आहुति, सवा अरब पुत्रों से रक्षित है माँ भारती, है ज्वाल इसमें परसू सा,
है ज्वाल इसमें परशु सा, न केवल इसमें बुद्ध है। क्या बात है, युद्ध है, क्या बात है, बहुत बढ़िया।